फ्रेंड्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो लाहौरी बिरयानी, जिसका नाम है लाहौरी बिरयानी, जो बच्चों को मोस्टली बहुत पसंद होती है। हर संडे बच्चे यही डिमांड करते हैं कि बिरयानी बनाई जाए। आज हम वो ट्राई करने वाले हैं। आपके किलो चिकन हमने लिया जो वॉश कर लिया है, उसके लिए एक किलो ही चावल लिए जो पहले से भिगोए हुए हैं, आधा घंटा हो गया भिगोए हैं। ये पानी इतना रखा गर्म होने वाला है, इसमें हम ये डालेंगे। ये पत्ता है, दो बादियानी फूल, ये इलायची है बड़ी इलायची, ये दो तीन लौंग और काली मिर्च, इनको हम ऐड कर देते हैं। एक किलो के करीब चावल हैं जो उबलते पानी में, पहले से मैंने आधा घंटा भिगो के रखे, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चावल डाल दिए, अब इसमें हम थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे, इससे चावल खिल जाते हैं। इनको थोड़ा सा हिलाएंगे, कवर कर, इतना बॉईल करेंगे कि एक कनी रह जाए। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, एक कनी पे हमने इनको रख लिया। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। दो दरमियाने साइज के प्याज, हरी मिर्चें, जरदा, रंग, हल्दी, नमक, जीरा, चिली फ्लेक, कुटी लाल मिर्चें, पीसी लाल मिर्चें, इमली, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, दो दरमियाने साइज के प्याज और ये पुदीना। हमने पैन रख दिया ऊपर फ्लेम पे, ये हमने ऑयल इसमें ऐड किया है, तकरीबन 1 कप के ऑयल है। गोल्डन कलर का होना शुरू हो गया, इसमें हम चिकन ऐड करते हैं। मसाले इसमें हम ऐड करेंगे, ये टमाटर हैं 2 कटे हुए दरमियाने साइज के, लाल मिर्च पाउडर है 2 चम्मच लगभग, इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं, स्पाइसी अच्छी लगती है ऐसी। 1 चम्मच के करीब चम्मच सॉल्ट, ठीक है, हल्दी, ये जीरा और ये इमली, थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिली भी डालेंगे। कप हम इसमें योगर्ट ऐड कर देते हैं,
तेल पे। बिल्कुल आंच को हल्की कर दें। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, कवर कर देते हैं। देखेंगे, वाओ जबरदस्त, अच्छा तैयार हो गया, इसलिए ज़्यादा पानी निकला है। हल्की आंच पे अच्छे तरीके से अंदर तक इसका मसाला चला गया। अब हम फ्लेम को तेज़ कर दें ताकि ये पानी खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ड्राई होना चाहिए ताकि बिरयानी अच्छी सी तैयार हो। पानी हो तो चावल फिर सही खिलते नहीं, चिपके चिपके रहते हैं। चिकन का मसाला रेडी हो गया, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, ऑयल नज़र आना शुरू हो गया। ग्रीन टमाटर को हमने स्लाइस में काट के ये देचके में सेट कर दिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिए। इसको हम एक लेयर लगाएंगे चावलों की। मसाला तैयार किया है इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें भी ऑयल है, इसलिए उसमें मैंने कम डाला था। चलिए ये हम इसमें डाल देते हैं। वाह जबरदस्त, बड़ी मज़े की डिश तैयार होने वाली है, सबकी पसंदीदा है। फिर ये बाकी जो हमारे पास चावल रह गए ये हम इसमें डाल देते हैं। चावलों को अच्छे तरीके से डालें, कुछ भी जाया ना करें। ये सेट हो गए। इसमें हम हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी ये हमने डाल देनी है। ये हरा पुदीना हमने काट के रखा था, ये जरूरी नहीं है कि पुदीना फ्रेश ही हो, अगर आपने खुश करके पहले ही रखा है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं तो जरूर रखती हूँ खुश करके, ये बड़ा जरूरी चीज होती है। बहुत दफा बच्चों का पेट खराब हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, घर में सूखा पुदीना हो उसे वॉश करके पानी में बॉयल करें और उसमें थोड़ा सा आप इलायची, जो छोटी इलायची है उसका पानी बनाएं तो वो भी आपके बड़े काम आएगी। बहुत जल्द बच्चे ठीक हो जाते हैं, उसे पेट ठीक हो जाता है। अब ये हमने जो जर्दा रंग था फूड कलर, इसको हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे चढ़ा देते हैं। बिरयानी रेडी हो चुकी है, फ्रेंड्स के साथ खाएं, घर वालों के साथ खाएं, अपने रिश्तेदारों के साथ खाएं, खुश रहें और हमें दुआ में याद रखें।